नहीं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लो कैलोरी हेल्दी ब्राउनी। ना उसमें ऑयल है, आई हो चालू है ना? यस मैम। हाँ, ना ऑयल है ना मैदा है, तो वो बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी आपके लिए। तो आपको देखना है कि किस तरह से बनती है, और वो आप आपके बच्चों को भी इजीली खिला सकते हो और ख़ुद के खाने के लिए भी, और एकदम गिल्ट फ्री खा सकोगे क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी कैलोरी नहीं है। शुगर भी हम नेचुरल शुगर डालने वाले हैं, तो देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलो पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको लेना है, अगर मैदा नहीं ले रहे तो हम रोल ओट्स ले रहे हैं। रोल ओट्स ओल्ड फैशन, रोल ओट्स है ना, वो ओल्ड फैशन ओट्स है। अभी जो आप यूज़ करते हो, जो घर पे ओट्स बनाते हो, वो इंस्टेंट ओट्स होते हैं। रोल ओट्स में फाइबर कंटेंट होता है ना, वो ज़्यादा होता है। एक बार देख लीजिए, इस तरह से आपका ओट्स रहेगा। रोल ओट्स पहले ऐसे ही आते थे, अभी जो आ गए ना कैलॉग्स वगैरह के, वो इंस्टेंट ओट्स आए हैं। तो हम रोल ओट्स ले लेंगे हाफ कप। ये जो मैंने रेसिपी का जो मेज़रमेंट दिया है वो 2 रेमिकिन मोल्स के लिए है। 2 रेमिकिन मोल्स, इस तरह से आपके 2 रेमिकिन मोल्स लेने हैं। उसके लिए मैंने आपको ये जो मेज़रमेंट है उसके लिए, तो उसके लिए आप देखेंगे हाफ कप हमने ले लिए है, हाफ कप रोल ओट्स। रोल ओट्स लेके आपको क्या करना है, हाफ कप जितना पानी लेके इसके अंदर आपको रोल ओट्स को 10 to 15 मिनट्स के लिए सोक करना है। देखिए, दिखाइए ना आप इसको, ये जो रोल ओट्स है ना, उसके अंदर मैंने जितना मैंने रोल ओट्स लिया था ना, उतना ही पानी ले लिया और उसके अंदर उसको सोक कर दिया। सोक करने का टाइम एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स होना चाहिए। आप 30 मिनट रखो तो कोई इशू नहीं है, पर 15 से 20 मिनट रख के आपको इस तरह से सॉफ्ट करना है। देखिए, इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अभी आराम से इसको क्रश करूँगी ना तो भी टेक्स्चर आएगा। इसमें फाइबर कंटेंट मोर होता है, तो ये आप एकदम गिल्ट फ्री खा सकते हो। उसके साथ हम लेंगे आलमंड, वो भी हमने सोक करके रखी है। आप स्किन निकालो तो बेटर है, अदरवाइज स्किन नहीं निकालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। और नेचुरल शुगर के लिए हमने लिया है यहाँ पे डेट्स। डेट्स आपको ऐसी सॉफ्ट वाली लेनी है, देखिए, ठीक है, तो उससे अच्छा रहेगा आपको। और इसमें जाएगा बनाना, तो बनाना के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरह के स्वीट डॉट वाला बनाना लेना है, रॉ वाला नहीं लेना है। उससे स्वीट कंटेंट अच्छे से आएगा, तो आपको नेचुरल शुगर मिल जाएगी, उसमें आपको कोई भी वाइट शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में हम लेने वाले हैं कोको पाउडर। ये मैंने है ना, सपोज़ नॉर्मल कोको पाउडर लिया है कैडबरी वाला, पर अगर आप डच कोको पाउडर ले रहे हो तो 2 टेबलस्पून की जगह आपको लेना है 1 टेबलस्पून। तो हम दिखाते किस तरह से हमें डाल देना है। ये रोल ओट्स का पैकेट भी दिखा दीजिए आप, हमने जो लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि ये वाला ही लेना है आपको, ठीक है। 1 by 1 हम सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हमारा जो जाएगा सोक्ड रोल ओट्स, मतलब भिगोया हुआ हाफ कप के अंदर हाफ कप वाटर। उसके लिए नेचुरल शुगर जाएगा आपका डेट्स। डेट्स को भी हमने सोक करके रखा हुआ है, और उसमें से जो सीड्स थे उसको रिमूव कर दिया है, और उसको भी आपको भिगोना है, जैसे डूब जाए ना उतना ही भिगोना है, उससे ज़्यादा नहीं पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद सोक्ड आलमंड, देखिए कितना अच्छा हेल्दी है। आप आपके बच्चों को भी खिलाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा गिल्ट नहीं होगा कि क्या खिला दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने डाल दिया आलमंड, यहाँ पे रोल ओट्स डेट्स और आलमंड डाला है। देन आफ्टर हम 1 टेबलस्पून, ये नॉर्मल है तो हम 2 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर ले लेंगे, 1 and 2, ठीक है। आपके अंदर कॉफ़ी नहीं लिखी है, पर अगर आपको चाहिए तो 1/4 टीस्पून जितना आप कॉफ़ी डाल सकते हो, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं 1/4 टीस्पून जितनी कॉफ़ी डाल रही हूँ यहाँ पे। और अब हम इसमें हाफ बनाना डाल देंगे, हाफ ही लेना है बनाना, हाफ बनाना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, इससे आपका टेक्सचर आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम चॉप करके डाल देंगे, और ये वाले मिक्सचर को आपको ग्राइंड कर देना है।
ये ग्राइंड करने से पहले आप ये सारी तैयारी करो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका ओवन 170 डिग्री पे ऊपर नीचे की कॉइल चालू रख के प्री हीट करना है फॉर 10 मिनट्स। एक बार देख लेते हैं किस तरह का टेक्सचर आया है। अभी हमको और थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दानेदार है, तो और थोड़ा सा मिक्सचर से हम ग्राइंड कर लेते हैं इसे। कोई क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग? अभी इसका एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप डच कोको पाउडर लो, तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप 1 टेबलस्पून ही लेना, 2 टेबलस्पून नहीं लेना। और इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी को देखना, थोड़ा हार्ड रहेगा तो भी कोई इश्यू नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो भी इश्यू नहीं है। मैम बनाना स्किप कर सकते हैं? बनाना नेचुरल शुगर है, तो अगर आप बनाना से टेक्सचर अच्छा आएगा और उससे जो एग का रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, कि अगर यहाँ पे हम कोई भी फैट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ऑयल भी नहीं है, मैदा भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो अगर अच्छा टेक्सचर चाहिए उससे टेस्ट अच्छा आता है, नो डाउट। पसंद नहीं हो तो फिर अवॉइड करना, तो थोड़ा सा हनी डाल देना। मैम बनाने के लिए जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं क्या? जैगरी पाउडर भी आप डाल सकते हो, फिर उसका रेशियो थोड़ा सा, हमने जो ये रेसिपी बनाई हुई है ना उसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आप चेंज मत करना। अगर आपको स्वीटनेस कम लगती है तो हनी डाल देना, क्योंकि ये रेसिपी जिस हिसाब से बनी हुई है वैसे ही वर्क करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। मैम ओट्स की जगह पे और क्या ले सकते हैं हम? रोल ओट्स ले लो ना उसकी जगह पे, तो फिर हम मैदे वाली रेसिपी भी है हमारी ब्राउनी की, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ओट्स अच्छा है, फाइबर कंटेंट भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, तो आप वो ही कंप्लीट करो तो ज़्यादा अच्छा है। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम एक संजना मैम के पास है ना बेक एंड टोस्ट मोड है, तो उनको कौन से मोड? हाँ बेक पे, बेक मतलब क्या होता है कि सिर्फ नीचे, बेक मतलब क्या होता है कि सिर्फ नीचे का आपका कॉइल चालू रहेगा, टोस्ट का मतलब क्या होता है ऊपर नीचे दोनों कॉइल चालू होता है, उसको टोस्ट बोलते हैं। ब्रॉयल मतलब सिर्फ ऊपर का, वहाँ पे आपको देख लीजिए ब्रॉयल भी लिखा होगा, ब्रॉयल मतलब सिर्फ ऊपर का ही चालू रहता है। मैम क्या गैस में भी इसको बना सकते हैं? आराम से बना सकते हो, नीचे जो कंकर वाली रहती हो वो रख लो और एक बाउल के अंदर ये वाले, अगर एमकिन मोल्ड्स नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं, आपके एल्यूमिनियम के कोई भी बाउल हो तो वो भी आप ले सकते हो, और कोई भी ओवन प्रूफ वो वाले भी छोटे वाले बाउल ले सकते हो, तो इट्स गुड। अभी हमारे जो ये है रैमकिन मोल्ड्स, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं, और ओवन को हमने प्री हीट करने रख दिया है 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऑयल ले सकते हो, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल लेके इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए, और कोई साथ में अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आप मुझे साथ में देते भी जाइए। मैम ओट्स की क्वांटिटी कितनी है? अभी जो हमने लिया है 2 रैमकिन मोल्स के लिए 1/2 कप ली है, पर अगर आपको 4 बनाना है तो 1 कप के साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। और मैम ये जो कोर्स जो आप अभी ब्राउनी सिखा रहे हो उसकी रेसिपी PDF हमने ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाइव है तो मैं वापस रिपीट नहीं करती, जैसे आयुषी ने बताया इसी तरह से आप PDF डाउनलोड हो गई है तो आप देख लीजिए। पहले हमने सीरीज लाई थी उसी तरह से, अभी जो हमारा है हेल्दी 3 डेज का हेल्दी वर्कशॉप है, आज ब्राउनी है, कल मफिन्स है, और उसके बाद कुकीज़ है, तो तीनों दिन मिस मत करना, बहुत अच्छा। नॉर्मली आप मैदे वगैरह से तो खाते हो, तो हेल्दी वाला भी मौका आप मिस नहीं करना, और आप ज्वाइन करना हमें तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसमें, हाफ डालेंगे, हाफ को पहले आपको कंप्लीट करना है। देन ऑफकोर्स आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हो। एक मिनट, मेरा यहाँ पे मिस हो गया है, 1/4 टीस्पून आपको डालना है बेकिंग पाउडर, तो मैं उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, देन उसके बाद रैमकिन मोल्ड्स को वापस से कंप्लीट करूँगी।
मैम ये डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं? हाँ डायबिटीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने नेचुरल शुगर का जो कंटेंट लिया है ना, जैसे हाफ बनाना लिया है तो 1/4 ले लेना आप, इसको यहाँ बॉर्डर से क्लीन कर दो ना खाली। यहाँ पे मेरा बेकिंग पाउडर मिस हो गया था तो मैं डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून आफ्टर ग्राइंड होने के बाद, और उसको कट करके लूँगी, और ये वाला लूँगी विलफिल का बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप ब्लेंड करते टाइम भी डाल देते हो, डाल सकते हो, और अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो चॉकलेट एसेंस डालो, अगर एक्सट्रैक्ट है हेल्दी बना रहे हो तो एसेंस की जगह आप, यहाँ पे मैं वेनिला एसेंस भी डाल देती हूँ, वो हमेशा मैं ड्रॉप में डालूँगी 2-3 ड्रॉप। एक्सट्रैक्ट है तो बेटर है कि अगर आप हेल्दी बना रहे हो तो एक्सट्रैक्ट डालना एसेंस की जगह पे। ये ऑप्शनल है, अगर डालोगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे हम कंपाउंड चॉकलेट ले रहे हैं ना, इसकी जगह पे जब हेल्दी वर्जन बना रहे हो तो आपको लेना है कर्वेचर। यहाँ पे मैंने लिया है वैन हॉन्टेन का कर्वेचर 55% कोको वाला। हेल्दी में आप कर्वेचर ही यूज़ करना, कंपाउंड यूज़ नहीं करना तो इट्स गुड। शुगर फ्री स्टीविया यूज़ कर सकते हैं मैम? स्टीविया हम नेचुरल शुगर के साथ बना रहे हैं, स्टीविया भी आप यूज़ कर सकते हो, पर स्टीविया बहुत लॉन्ग ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से आपके हेल्थ के लिए नुकसान करता है, जबकि बनाना है या ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। और मैम डेट्स का भी अगर डेट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या डाल सकते हैं? डेट्स नहीं है तो बनाना का प्रपोर्शन बढ़ा देना, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने स्टीविया बताया, मैंने और भी बताया कि हनी, तो वो भी आप ले सकते हो। और मैम एल्यूमिनियम फॉइल कप्स भी ले सकते हैं क्या? नहीं एल्यूमिनियम मत लेना, बेकन सर्व ले लेना तो ज़्यादा बेटर है। एल्यूमिनियम में खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, जब हम हेल्थ के लिए इतना ध्यान रख रहे हैं तो वाई वी यूज्ड एल्यूमिनियम फॉइल। एक मुझे टिश्यू पेपर दे दीजिए ना, चलो कोई इशू नहीं, थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, अभी हम डाल देंगे जो एसेंस डाला लास्ट में, हमने जो बेकिंग पाउडर डाला उसके बाद हमने एक अच्छे से मिक्स दे दिया। मिक्स देने के बाद हाफ हम फील करेंगे, और उसके बाद आपके वॉलनट्स या चॉकलेट के जो चंक्स है वो डाल सकते हो आप। यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि आप वॉलनट, आप कोई भी और नट्स पसंद है, कैश्यू नट पसंद है तो वो भी आप ले सकते हो। और कोई क्वेश्चंस है क्या इसके रिगार्डिंग? मैम बहुत सारे क्वेश्चन है कि इसकी रेसिपी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो हमारे एप्लीकेशन पे हेल्दी बेकिंग करके एक वर्कशॉप ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ हेल्दी बेकिंग करके जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए, और उसमें से आप इसको रेसिपी आपको मिल जाएगी। साथ में हम थोड़े से वॉलनट्स डालते हैं, वो भी ऑप्शनल है, आपको जितना चाहिए उतना आप खा सकते हो, और अगर नहीं पसंद है तो दूसरा कोई नट्स भी आप ले सकते हो, कैश्यू नट ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, और नट्स नहीं पसंद है तो सिर्फ चॉकलेट चंक्स के साथ भी कंप्लीट कर सकोगे। यहाँ पे ना ज़्यादा जब ब्राउनी बनता है ना, तो ब्राउनी में ऐसा नहीं होता कि बहुत ऊपर होके आएगा, तो हम इसको फिल करना है 3/4 तक। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करने के बाद देखिए, जो मैंने रेसिपी हाफ कप का जो हमारा पीडीएफ दिया हुआ है उसमें सिर्फ ये 2 रैमकिन बोल्स में थोड़ा सा बच रहा है। और यहाँ पे हमने जो फिल किया वो देखिए 3/4 से भी थोड़ा सा ऊपर फिल किया है। ब्राउनी बहुत ज़्यादा राइज नहीं होती है केक की तरह। क्वेश्चंस हो तो ले लेना अभी। मैम एक बार कप का मेजरमेंट बता दीजिए ना प्लीज। हाँ एक ही मिनट बता देती हूँ।
ये है ना मेरा 125 ग्राम जितना कप होगा, ऐसे हमने दो लिया है, मतलब आप 250 ग्राम जितना आपका बैटर हो जाएगा रेडी। मोलकस बेकिंग का जो एल्यूमिनियम टीन आता है उसमें कर सकते हैं? मैं बोल रही हूँ कि जो एल्यूमिनियम टीन है ना, जो फॉइल पे एल्यूमिनियम टीन पे बना सकते हो, पर ऐसा करना जब भी ब्राउनी बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल पोर्शन वाला करोगे तो ज़्यादा, क्योंकि ये हेल्दी ब्राउनी है, तो ऐसा मत करना कि बहुत बड़े मेजरमेंट में आप कंप्लीट करो। मैम पाई ब्राउनी की भी रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज़ वो भी सिखा दो। हाँ बस आपकी रिक्वेस्ट है तो हम ध्यान में रखेंगे और इस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एवरीडे अभी हम लाइव लेके आ रहे हैं, सीरीज़ भी थी हमारी, तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो और आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उससे हमको और ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और हम डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए सोचते ही है, पर आप जो रिक्वेस्ट करते हो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और मैम जैसे हमने अभी हेल्दी बेकिंग का वर्कशॉप फ्री में किया है, वैसे हमारे बहुत सारे फ्री के कोर्सेज ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो और हमारी एप्लीकेशन 200 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, तो जहाँ से भी जो लोग देख रहे हैं वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑनलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अभी इसको बेकिंग में जाने देते हैं, अब उस ठीक है, अभी हम इसे बेकिंग में जाने देते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ, 170 डिग्री पे हमेशा 5-10 मिनट्स का डिफरेंट आ सकता है, 5-10 टेम्परेचर का। मैं जैसे 170 बता रही हूँ तो हो सकता है समटाइम्स आपको 175 भी हो सकता है। हम अभी 20 मिनट्स के लिए बेक करने रख रहे हैं, पर हम ध्यान में रखेंगे, हो सकता है 5 मिनट ज़्यादा भी ज़रूरत हो सकती है, तो आपको आपके ओवन को समझना है और उसके साथ वर्क करते टाइम ध्यान भी रखना है कि 2-5 मिनट, आफ्टर 20 मिनट्स यू कैन चेक, और उसके बाद अगर लग रहा है तो आप 5 मिनट्स के लिए और रख देना अगर आपका कच्चा रह जाता है तो। हमारा ओवन प्री हीट है, हम एक बार रख देते तो दिखा देते हैं। मैं अभी इसका टाइम सेट कर रही हूँ फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। टेम्परेचर है मेरा 175 और मैंने दोनों कॉइल ऊपर रखी है, दोनों कॉइल चालू रखी है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ब्रॉयल वाला सिस्टम नहीं, हमारा इस तरह का सिस्टम है, तो इसमें दोनों कॉइल ऊपर नीचे की स्टार्ट है। हाँ सिलिकॉन मोल्ड ले सकते हो, पर सिंगल सर्विंग का ही रखना, क्योंकि ये हेल्दी ब्राउनी है और इसमें ना ही हमने ऑयल वगैरह जैसे बताया, ना ऑयल, ना शुगर, ना मैदा, तो फिर उसमें थोड़ा सा सिंपल सिंगल सर्विंग जितना ही बनाना, ठीक है। आज स्वाद आपके लिए क्या नई ऑफर लेके आए तो वो देखते हैं, स्वाद क्या लेके आए तो बताइए आप। वेल हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्वाद। स्वाद आप सबके लिए ये नई नई जो फ्री की सीरीज लेके आ रहा है वो आप लोगों के लिए है, और आप हमारे साथ रोज आज कल और परसों जो हमारी हेल्दी बेकिंग का जो फ्री सीरीज है वर्कशॉप का, उस पर लाइव आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और आप सब जो हमारे साथ इतना टाइम निकाल के जुड़ते हैं रोज, उन सबके लिए स्वाद लेके आया है एक स्पेशल ऑफर। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ आज, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबके लिए हम फ्लैट 50% वर्कशॉप, फ्लैट 50% डिस्काउंट लेके आए हैं हमारी सारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स पे। आप हमारी एप्लीकेशन पे से कोई भी वर्कशॉप अगर लेना चाहते हैं तो आप वो 50% डिस्काउंट में ले सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर हमारा जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है वो, और US सर्टिफाइड हमारा कोर्स है वो। उस ये दो कोर्स के अलावा अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि समोसा हो गया या फिर चाट मेकिंग हो गया या सैंडविचेस हो गया, कोई भी वर्कशॉप, आप उसे 50% डिस्काउंट में ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड बताऊंगी, वो मैम वो हमारी
आपको हमारे 9712307070 पे फ्लैट 50% लिखना है और आपको वहीं से ये डिस्काउंट अवेल होगा। आप फिर हमारे एप्लीकेशन पे जाके आपको जो भी कूपन कोड मिलेगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो अप्लाई करने पर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि मैम आपकी ये जो फ्री रेसिपीज आप जो ये पूरी सीरीज लेके आए हो हमारे लिए, तो उसकी पीडीएफ हम कहाँ से डाउनलोड करें? तो मैं बता देती हूँ आप लोग को कि अगर आप हमारी कोई भी हमारी कोई भी फ्री वर्कशॉप की रेसिपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन स्वाद कुकिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद साइन इन या लॉग इन करके आपको करना क्या है कि अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लास जो अभी हमारा हेल्दी बेकिंग का चल रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ स्टार्ट के जगह पे अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल आएगा, तो उस पर क्लिक करके अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये सारी इंट्रोडक्शन और रेसिपी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है रेसिपी पीडीएफ इन इंग्लिश एंड गुजराती, तो अगर आपको कोई भी प्रेफर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश या गुजराती में रेसिपी डाउनलोड करनी है तो आपको सिर्फ यहाँ से नीचे से डाउनलोड एंड ओपन पीडीएफ करना है, तो आपको ये हमारी पूरी सीरीज की जितनी भी रेसिपीज है वो डाउनलोड हो जाएगी। और मैम बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी वेबसाइट थ्रू ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हमारी एप्लीकेशन थ्रू अगर वो डाउनलोड करते हैं तो वो हमेशा उनके पास सेव रहती है पीडीएफ। यस बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया कि अगर आप हमारी वेबसाइट से ये रेसिपी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपके पास सेव नहीं रहेगी, पर अगर आप हमेशा के लिए पूरी लाइफ के लिए अगर ये सारी रेसिपीज कलेक्ट करना चाहते हो या फिर अपने फ़ोन में सेव रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी स्वाद ऐप हमारा स्वाद का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में ऐप स्टोर में दोनों में अवेलेबल है और 200+ कंट्रीज में भी अवेलेबल है, तो अगर आप कहीं से भी आज हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और मैम हमारा जो स्टार्ट बेकिंग स्टार्ट अर्निंग का जो वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है 26 में, उस पे भी ये 50% वाला कूपन अवेलेबल है? यस बिल्कुल, हमारा जो स्टार्ट बेकिंग स्टार्ट अर्निंग वाला वर्कशॉप है उसमें भी ये फ्लैट 50% वैलिड है। हमारी कोई भी वर्कशॉप ले लो आप, वेदर इट इज़ अबाउट फॉन्डेंट केक्स, क्लासिक केक्स और ऐसे सर्टिफाइड वर्कशॉप जो हमारा है स्टार्ट बेकिंग स्टार्ट अर्निंग, उसमें भी वैलिड है हमारा फ्लैट 50। तो आप लोग चांस बिल्कुल मत छोड़िए, इसका बेनिफिट आप सबको बिल्कुल लेना है। जल्दी से आप हमारे मोबाइल नंबर 97123 वाले पे जल्दी से फ्लैट 50% टाइप कीजिए और जल्दी से हमारे एप्लीकेशन से एक सारे कोर्सेज व्यू करिए। और मैम एक बार नंबर आप वापस पूरा बता दीजिए। यस 9712307070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप यही नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैम मतलब किसी को कोई भी ऐसा भी है कि जिनको एनरोल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारा 97 वाले नंबर। यस जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमारे आपको कोई भी ये कोई भी क्लास या कोई भी वर्कशॉप रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा जो 9712307070 वाला नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल। ओके और हमारा हैम्पर मेकिंग का भी कोई वर्कशॉप अवेलेबल है? यस हमारा हैम्पर मेकिंग का जो वर्कशॉप था वो एक्चुअली पोस्टपोन्ड हो चुका है और वो हो रहा है ये 23 को, तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करवाया है तो जल्दी से एनरोल करवा दीजिए। उसमें हम आपको बेसिक से लेके कैसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ आप एक ब्यूटिफुल सा फूड हैम्पर अलॉन्ग विथ बलून
डेकोर एंड फ्लावर अरेंजमेंट्स कैसे कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। तो अगर आप सूरत से हैं तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप सूरत से नहीं हैं तो हमारे पास आप लोग सबके लिए ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है। ये हो रहा है हमारे 23 को, और इस ये वर्कशॉप में भी हमारा फ्लैट 50% जो डिस्काउंट है वो वैलिड है। तो ये चांस तो बिल्कुल छोड़ने जैसा नहीं है, तो आप जल्दी से हमारे जो 97123 वाला नंबर है उस पर जल्दी से फ्लैट 50 लिखिए, और जल्दी से आपको जो भी क्लासेस पसंद है उसमें एनरोल करवा दीजिए, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। और मैम मतलब दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मतलब जो फ्री कोर्सेज के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो जिसको भी जो भी क्वेरी है तो वो हमारे 97 वाले नंबर पे फोन या व्हाट्सएप करेंगे तो उनकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। यस, अगर आपको कोई भी क्लास रिलेटेड या एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई भी क्वेरीज है कि ये क्लास में क्या मैम आप क्या सिखाते हैं या कि इसमें कैसे एनरोल किया जाता है, तो आपकी सारी क्वेरीज यू आर वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें हमारे जो 97123 वाला नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल। मैम हमारे पास बहुत सारे फोन और मैसेजेस आते हैं तो शायद कभी रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आप उनको सिर्फ बता दीजिए कि थोड़ा सा वेट करें। यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, पर वी विल मेक श्योर कि हम आपकी सारी डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व करेंगे, और आपकी जो भी है आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारे साइड से वो सारी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ही ना मैम? सबसे पहले ब्राउनी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो तो ले लेते हैं, और एक बार हमारी ब्राउनी बेकिंग में है तो उसे भी एक बार देख ले दिखा देते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि 50% वाला जो ऑफर है वो एक से ज्यादा कोर्सेज पे अवेलेबल है। हाँ, आप एक नहीं बहुत सारे कोर्स ले सकते हो, सारे कोर्सेज पे आपका 50% जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल है। और जो स्टार्ट बेकिंग वाला कोर्स है उसमें आपको जीरो नॉलेज, मतलब आपको कभी बेकिंग नहीं किया, आपको ओवन के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बहुत बेकर होम बेकर बनना चाहते हो, आपको जीरो से 100% आप बहुत ज़्यादा सीख के जाओगे और बहुत अच्छे से लर्न करके जाओगे। मैम ये ब्राउनी हम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं क्या? माइक्रोवेव में कुछ भी नहीं बनता, जो बेकिंग की चीज़ें वो ऑलमोस्ट कन्वेक्शन पे बनता है, तो आप कन्वेक्शन पे 160 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स रख के चेक करो, और फिर अगर 5 मिनट की ज़रूरत हो तो फिर कन्वेक्शन पे रख के आप बेक कर सकते हो। ठीक है, ब्राउनी बेक हो रही है तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद हमारा ऑलरेडी लाइव था तो हमने बेक करके रखा है, वो बैच भी मैं दिखा देती हूँ। जो हमने अभी जो बनाया ना वो नॉर्मल कोको पाउडर से बनाया, ये जो डार्क कलर आता है वो आता है डच कोको पाउडर से, इसका टेक्सचर इस तरह से होगा। पर सपोज़ ये हेल्दी ब्राउनी तो आपने बना दिया, पर अगर आपको इसके ऊपर आइसक्रीम वगैरह भी खाना है तो क्या करोगे? ये रैमकिन मोल्ड्स है, हीट प्रूफ होते हैं, उसको आप माइक्रोवेव में रखो या ओवन में 5 मिनट्स रखो, ये वापस से गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद इसके ऊपर आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। हमने रोल्ड ओट्स कौन से वाले लिए एक बार दिखा सकते हैं? ये वाला हमने रोल ओट्स लिया है, और इसके दाने हैं ना, ये ओल्ड फैशन ओट्स भी बोलते हैं, इस तरह का आएगा। इंस्टेंट ओट्स और रोल ओट्स में थोड़ा डिफरेंस रहता है, इसमें मोर फाइबर कंटेन होता है। एक बार बेकिंग में हमारा देख लेते हैं, उसके बेकिंग में है वो। और इसका एक बार मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ स्पून के साथ, बहुत यमी टेक्सचर है, एकदम चॉकलेटी वाला, देखिए। ठीक है, फिर एक और मैम, कल हम हेल्दी मफिन्स लेके आने वाले हैं 5 बजे, आप मिस मत करिए। ब्राउनी जैसे अच्छी लगी वैसे कल आप हेल्दी मफिन्स भी सीख सकते हो, तो हमारे साथ 5 बजे लाइव के लिए जुड़ जाइए। तो फिर एक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।